हमारा घर और माहौल को आज सबक पढ़ेंगे। इसके बारे में सभी मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही में इस सबक के मुतालिक जितने भी मशक हैं यानी जवाबात सवालों के साथ हम इसे मुकम्मल करेंगे। चलिए सबक शुरू करते हैं। 11, हमारा घर और माहौल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग-अलग टाइप के घर हैं। तो बच्चों बताइए आप इसमें से किस घर में रहते हैं। जैसे कि मैं बिल्डिंग में रहती हूँ तो मैं इसको साइन करूंगी। तो यहाँ पर आपका जो घर है वो, हाँ, तो यहाँ पर मैं ये बिल्डिंग में यहाँ पे एक साइन दूंगी। आप इसमें से जो भी टाइप के घर में रहते हैं उसे यहाँ पर साइन का निशान लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ के देखेंगे कि स्कूल, बाजार और दूसरे शहर को जाते वक्त आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। इस वक्त घरों को जरूर देखिए। घरों का मुशाहिदा करते वक्त उनकी तर्ज तामीर, शक्ल, तामीर के लिए इस्तेमाल की हुई अशिया वगैरह बातों पर ध्यान दीजिए। जरा देखिए कि क्या आपके देखे हुए घर और ऊपर दिए हुए घरों जैसे हैं। और पहला सवाल है इसी बुनियाद पर कि घर तामीर करने के लिए कौन कौन सी अशिया इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता ही है हम सीमेंट, ईंट और लोहे की सरिया वगैरह इस्तेमाल करके घर बनते हैं। दूसरा है सवाल यहाँ के कि आपके देखे हुए कोई दो घरों में से पाया जाने वाला फर्क लिखिए। तो जैसे अगर अगर हम अगर कहीं से पास होते हैं तो हम झोपड़पट्टी भी देखते हैं। वो छोटे छोटे घर होते हैं ना, तो वो पत्थरे से भी बने होते हैं, वो लकड़ी से भी बने हुए होते हैं, वो बांबू वगैरह से भी बने हुए होते हैं। और हमारे घर जो है वो ईंट और सरिया वगैरह सीमेंट से बने हुए होते हैं ना। तो ये दो फर्क आप समझ सकते हैं। तीसरा सवाल है कि घरों की वजह से किन किन चीजों से हमारी हिफाजत होती है। हाँ भाई, घरों की वजह से हम बहुत हिफाजत और बहुत सुकून से जी लेते हैं, क्योंकि हमें घरों में ये डर नहीं होता ना कि बाहर से कोई जानवर घर में घुस जाएगा या कोई चोर घुस जाएगा या किसी, जैसे बारिश का पानी वगैरह हो तो तूफान के पानी की वो सब घरों में आ जाएंगे। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता ना। हम अपने घर में बड़े हिफाजत से सारी चीजों से महफूज रहते हैं। चौथा है कि अलिफ, बे और जीम घरों में क्या फर्क है, कौन सा घर ज्यादा महफूज है। तो चलिए इस तस्वीर में देखेंगे कि अलिफ, बे और जीम के घरों में सबसे ज्यादा महफूज घर मुझे तो ये जीम वाला लग रहा है। सही है ना, क्योंकि ये सीमेंट और रेती वगैरह से, ईंटों से बना हुआ है, पक्का घर है। इसमें ना पानी घुसेगा, ना कोई जानवर घुसेंगे, ना कोई गाड़ी वगैरह भी चाहे ना तो ठोके ठाकेगी तो ही घुस सकती है, वरना तो नहीं घुसेगी, है ना बच्चों। तो ये दोनों घर जो है उसके मुकाबले में जीम वाला घर ज्यादा महफूज है। अब हमारा आगे हम पढ़ के देखेंगे। पांचवा सवाल है कि दर्जे बाला घरों में से कौन से घर शहरों में ज्यादा नजर आते हैं। तो यहाँ जो नीचे जो घर है इनमें से सबसे ज्यादा घर जो है, या ज्यादातर शहरों में तो ये सभी टाइप के घर नजर आते हैं ना, बिल्डिंग है या ये रो हाउस है, एक के ऊपर एक जो घर होते हैं वो रो हाउस होते हैं, बंगले होते हैं, और ये पक्के जो स्कूल टाइप के घर होते हैं ये कच्चे नहीं होते हैं ना, इस तरह से शहरों में तो नहीं होते। छठा है यहाँ पर कि आपके माहौल और आबो हवा का लिहाज करते हुए मुनासिब घर के करीब के चौकोन में ये वाला निशान लगाइए। आपके माहौल और आप वो हवा का लिहाज करते हुए, तो वही मैंने आपको कहा ना, आप जिस टाइप के घर में रहते हैं उसको निशान लगा लीजिए। अब तस्वीर में हमने घरों की मुख्तलिफ किस्में देखी हैं। नीचे दिए हुए उमूर के लिए घरों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर है कि रहने के लिए होता है, आराम के लिए होता है, सर्दी धूप और हवा बारिश से हिफाजत के लिए होता है, जंगली दरिंदों से हिफाजत के लिए होता है, गैर समाजी अनासर से हिफाजत के लिए होता है ना। घर इसीलिए तो हम बनाते हैं कि हम हिफाजत से उसमें सुकून से सो सके। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि ये अहम इलाके और तर्ज तामीर की बात बता रहे हैं कि नक्शे से दोस्ती। अगर आप नक्शों को समझते हो तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके कौन कौन से, मैदानी इलाके कौन कौन से, और बारिश जहां पे ज्यादा होती है वो इलाके कौन कौन से, और दलदली जो जगह होती है जहां पे दलदल जल्दी बन जाता है वो इलाके कौन से हैं, और उन जगहों पे किस तरह की तर्ज तामीर किए जाते हैं, किस टाइप के घर बनते हैं जो कि वहां पे टिकाऊ रहे। तो ये आप जरूर इस तस्वीर को देख के समझिए। और यहाँ पर कुछ बात दी जा रही है वो हम पढ़ के देखेंगे कि दर्जे बाला शक्ल में भारत का नक्शा और अलग अलग हिस्सों में कदीम जमाने से इस्तेमाल होने वाले घरों की किस्में दी हुई हैं। घरों की तर्ज तामीर में इलाके के एतबार से होने वाली तब्दील को जहन नशी कीजिए। पहला है कि ज्यादा बारिश के इलाके कौन कौन से हैं। हमने देखा कि
ज्यादा बारिश के इलाके कौन से हैं जहां पे पानी, देखो नीचे की तरफ आप देखोगे जो पानी के हिस्से में हमारा भारत है वो इलाकों की तरफ ही ज्यादा बारिश दिखाया जा रहा है ना। नक्शे में आप देखिए और जरूर समझिए इसको, आगे हम पढ़ के देखेंगे। औसत बारिश के इलाके मतलब कम बारिश कहाँ होती है, तो ये बीच में देखो औसत बारिश के इलाके कहाँ है, ये पूरे भारत के नक्शे में ज्यादातर बीचों बीच में दे रहा है ना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है तीसरे में कि कम बारिश के इलाके कौन से। कम बारिश के इलाके वो है जो समंदर के, देखो ये समंदर के किनारे जितने भी हिस्से वहां तेज बारिश है, तो उसके अंदर हटके ही कम बारिश होगी, ये तो जाहिर सी बात है। अब रेगिस्तानी इलाके, ये गुजरात और या राजस्थान के साइड रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर आप देखोगे इस तरफ ऊपर की तरफ जहां पानी बिल्कुल अब नहीं है। और दलदली इलाके, अब दलदली इलाके भी वही जहां पानी नजदीक होगा उसी के करीब के इलाके ही दलदली हो सकते हैं, यहाँ पर है देखो मेरा एरो आप देख के समझ सकते हो। और आखिर में है यहाँ पर पहाड़ी इलाके, अब दलदली इलाके हो गया पहाड़ी इलाके, पहाड़ी इलाके ऊपर की तरफ होंगे जहां पर समंदर नहीं होगा। तो सबसे ऊपर देखो जम्मू कश्मीर के साइड, उसके देखो राइट साइड में देखो ये पहाड़ी इलाके हैं। और आखिर में पूछ रहा है कि मैदानी इलाके जहाँ जंगल बियाबान बहुत ज्यादा होगा, तो ये मैदानी इलाका है, ये हमारे गंगा की तरफ बहुत ज्यादा होता है मैदानी इलाका। तो ये सारे हमने पढ़ के जाना। अब अलिफ में है कि नक्शा और घरों की तस्वीरें देखिए और उनकी मदद से जेल की जदूल मुकम्मल कीजिए। अब आपको नक्शे देखने हैं और यहाँ पे बताए हुए नंबर शुमार देखना है, इलाका बताना है, फिर किस्म उसकी कौन सी किस्म का है, फिर शक्ल और तर्ज तामीर वहां पे घरों की कैसी होती है, छत किन चीजों की बनती है, दीवारें कैसी होती हैं, ये सारे आपको खाने ऊपर पढ़ के उसकी मदद से मुकम्मल करने हैं। बे में है कि घरों की तर्ज तामीर में इलाके के लिहाज से होने वाली तब्दीलियों के असबाब तलाश कीजिए और दर्जे दर्ज कीजिए, ये वाले आपको उसी हिसाब से भरना है। अब मस्कुरा इलाकों की आबो हवा, दस्तियाब कुदरती वसाइल और सामान को इस्तेमाल करके लोगों ने घरों की तामीर की है। अब घरों की किस्में और उनके तर्ज तामीर और उन्हें तामीर करने में इस्तेमाल किए हुए वसाइल में तनु नजर आता है, यानी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। इसी बिना पर हमें घरों की अलग अलग किस्में नजर आती हैं। बात सही है, अगर लकड़ी का बनाए तो उसकी सूरत शक्ल भी अलग हो जाएगी, अगर वो ईंट और सीमेंट का बनाए तो वो दिखने में भी अलग होगा ना, ये बात बताई जा रही है। हर एक को हवा, गिजा, पानी, लिबास और मकान की जरूरत होती है, ये इंसानी जरूरत को कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी ये जरूरतें पूरी होती हों, इसीलिए दर्जे ज़ेल अमूर रोनुमा होते हैं। ये बात सही है कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, वो कहीं गरीब है तो वो झोपड़ है, वो कम वाले घरों में रह रहा है, और कहीं अमीर है तो वो महलों में रह रहा है, वो बंगलों में रह रहा है, वो बिल्डिंगों में रह रहा है। इस तरह से जिंदगी के उतार चढ़ाव से भी इंसान की जिंदगी में हालात से भी वो रहन सहन उसका होता है। अब हमारे इर्द गिर्द कई लोग नजर आते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। ऐसे लोग सड़क के किनारे, खाली जमीन पर, फुटपाथों पर, पुल के नीचे, टूटी फूटी इमारतों में, रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप जैसे कई मुकामात पर बसेरा करते हैं। वसाइल जिंदगी देखो इस तरह से फुटपाथ पे लोग रहते हैं, आपने देखा होगा खाना बनाते हैं, उनके बच्चे ऐसे ही रहते हैं, वो क्या करते हैं एक ऐसा पतरी वगैरह जो होती है ना प्लास्टिक की, वो लपेट लेते हैं ऊपर से, और उस तरह से उन लोग जीते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। अब अदम दस्तियाबी या कमी की वजह से कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग नाराज होके भी घर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो भी बेघर हो जाते हैं उसी तरह से। फिर बेघर होना एक सामाजिक मसला है, ऐसे लोगों को घर तामीर करके देने के लिए हुकूमत कई मंसूबे अमल में लाती है। चंद शहरों में हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए रैन बसेरा, यानी रैन बसेरा होता है यानी रात दिन रहने के लिए भी मुहैया किए जाते हैं। अब बेघर होने के क्या क्या नुकसान आते हैं, बेघर होने की वजूहत क्या क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि वो बेघर है। सबसे अगर वो बेघर होता है तो उसको क्या हो जाता है, नाकाफी मईशत, उसके पास पैसे कौड़ी की मुसीबत आ जाती है, वो अफलास है, भूखा प्यासा भी रहने लग जाता है, कुदरती आफात से भी उसको जूझना पड़ता है, जिस्मानी जहनी उसको फिर बीमारियां भी लग जाती हैं, वो बेरोजगार हो जाता है, वो कमाने के लायक भी नहीं रह जाता, कम कीमत घर की किल्लत होती है क्योंकि वो खरीद नहीं सकता, कम कीमत वाले घर मिलते नहीं है। ये सारे नुकसान होते हैं जो लोग बेघर होते हैं। तो बेजरर साफ पानी, जरूरत के मुताबिक गिजा, मकान, तालीम हमारा हक है, ये सारी चीजें इसमें। अब देखिए क्या करेंगे भला, एजाज के घर के सामने तामीर जारी है, यानी कुछ घर वर बन रहा है, उसी वजह से वो खुश खूब शोरगुल होता है, उसी वजह से क्या हो रहा है वहां पर बहुत ही शोर शराबा हो रहा है और धूल उड़ती है।
एजाज उसके घर वालों को इससे बहुत तकलीफ होती है। इस मसले को हल करने के लिए एजाज क्या करना चाहिए, एजाज को क्या करना चाहिए, आप लोग इस पे सोचिए और डिस्कशन करिए। क्या आप जानते हैं जमाने के मुताबिक इंसान की रिहाइश में होने वाली तब्दीलियां, बराबर है। पहले इंसान जो था ना, पहले बहुत कदीम जमाने में वो इस तरह से गारों में रहता था, जो पहाड़ों के गार होते हैं ना, खड्डे खड्डे होल वगैरह, बड़े बड़े ऐसे खाली जगह, तो उसी में वो रह लेता था क्योंकि उसको घर बनाने नहीं आता था ना। फिर धीरे धीरे उसकी अक्ल चली, उसने क्या किया, पत्थरों की छोटी छोटी टुकड़ियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख के इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर और उसकी और अक्ल चली, उसने क्या किया, फिर घास फूस भी उसके ऊपर लगा के ढकना शुरू किया ताकि उसमें ठंडक भी आए, और कहाँ रहना शुरू किया, पानी के करीब, ताकि पानी की जरूरत भी उसको पूरी होती रहे। फिर उसकी और अकल चली तो उसने इस तरह से तामीर किया जहाँ पे खिड़की दरवाजे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो मतलब यहाँ पे घास वगैरह ही यूज कर रहा है। आगे उसकी और अकल चली तो उसने क्या किया, ईंट सीमेंट को बनाना शुरू किया और उस तरह से उसकी तामीर की। फिर उसके पास और अकल आ गई तो उसने क्या किया, यहाँ पर पक्के घर बनाने शुरू कर दिए, मजबूत घर बनाने शुरू किए और एक के ऊपर एक घर चढ़ाने शुरू कर दिए। और पहले तो एक दो माले ही बनते थे ना, आप देखिए बिल्डिंगों का हाल, 25-25, 150-150 माले की बिल्डिंगें बना ले रहा है। ये इंसान की खूबी है कि वो जैसे जैसे तरक्की याफ्ता होता गया उतना नॉलेजेबल भी होता चला गया। आइए ये करके देखते हैं, ऐसे मुकाम की सैर कीजिए जहां किसी इमारत की तामीर जारी हो, कहीं बिल्डिंग बन रही हो, कोई घर कोई एरिया बन रहा हो, वहां मौजूद अशिया की फहरिस्त बनाइए। वहां पे पड़े हुए सामानों को आप जाइए और लिस्ट करिए, वहां पाई जाने वाली आलूदगी की मालूमात हासिल कीजिए, किस तरह से उसकी वहां पे आलूदगी क्यों फैल रही है आप वो भी नजर करिए। अब वहां की चीजों की अशिया और असल मुनबा किस चीज से वो बना है वो आपको वहां पे इस तरह से भरना है। जैसे ईट, अब सीमेंट किससे बनी, चनखड़ी के पत्थर से। ईट किससे बनती है, तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह से बनती है। लोहा किससे बनता है वो आप देखिए मालूम करिए, और ये सारे जो है खन भरिए। अपने दोस्त सहेली के फहरिस्ते, अपनी फहरिस्त का मुआजना कीजिए, और आपका भरा हुआ ये कॉलम और अपनी फ्रेंड्स का भरा हुआ कॉलम दोनों को मिलाइए और देखिए कि तामीर की अशिया असल मुनबा तलाश कीजिए और ऊपर के खाने में लिखिए, ठीक है। एक दूसरे का कंपेयर भी करना है और फिर भरते जाना है इस तरह से तामीर की जगह पे जाकर। इसे हमेशा जहन में रखें, लोगों के घर चाहे जैसे हों लेकिन हर इंसान को खुद का घर ही पसंद आता है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, जब भी हम किसी के भी घर घूमते हैं, अरे उसका घर बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा है, क्या अमीर है वो, और किसी किसी का घर हम देख के दुखी भी हो जाते हैं, अरे उनका घर कितना छोटा है, वो बेचारे कैसे पकाते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, कैसे सोते होंगे, उनके घर तो वॉशरूम भी नहीं है, यानी बाथरूम वगैरह का भी बंदोबस्त नहीं होता ना। किसी किसी को दूर कहीं जाना होता है, कहीं कहीं 5-10 रुपया देकर भी उनको रोज का ये काम करना होता है, नहाने के लिए भी जाना पड़ता है। तो कहीं भी हम देख के दुखी होते हैं और कहीं देख कर बहुत ललचाते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हम अपने घर आते हैं ना तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा घर ही सबसे बेस्ट लगता है कि नहीं। ऐसा आपको भी होता होगा, मुझे तो हमेशा ऐसे ही लगता है। तो चलिए आगे पढ़ के देखते हैं, और जहां पे क्या होता है, क्योंकि घर सिर्फ दरवाजे खिड़की दीवार और छत से नहीं बनता, बल्कि रहने वाले अफराद उनकी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए अपनाइयत से घर घर बनता है। दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसीलिए बड़ी तादाद में घरों की तामीर हो रही है, और घर तामीर करने के लिए कुदरती जो वसाइल होते हैं उनका इस्तेमाल देखो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे पहले हम तस्वीर देख लेंगे, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि दर्ज ज़ेल तस्वीरों की बुनियाद पर माहौलियाती आलूदगी और हम पर बातचीत कीजिए। तो यहाँ पे जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें देखने के बाद आप अपने क्लास या अपने फ्रेंड्स के साथ इस पे डिस्कशन करिए, बातचीत करिए। और हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि इन मिसाइल के हुसूल के लिए दर्जे ज़ेल अमूर अंजाम दिए जाते हैं। इस वजह से पानी, हवा, आवाज और मिट्टी की आलूदगी पैदा होती है और माहौल को भी नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ पे पहला है कि चट्टान की खुदाई पहले की जाती है, दूसरा है साहिल समुद्र नदी की तह से रेत निकाली जाती है, तीसरा है जमीन से मिट्टी निकालना, चौथा है जमीन में से ज्यादा मकदार में पानी निकालना, पांचवा है जमीन को खाली करने के लिए दरख्तों को काटना, छठा है तालाब चश्मे नदी खाड़ी और नशेबी इलाकों को भरकर जमीन हमवार करना यानी मजबूत करके जमीन बनाना। अब शहरियाने में इजाफा होने के सबब आबादियां और रास्ते बनाने के लिए जरात और दीगर जरूरतों की जमीन इस्तेमाल होती है। जरात के लिए जमीन की किल्लत होने की वजह से जंगल के लिए महफूज रखी गई जमीन पर भी जरात होने लगी है।
इस वजह से दरख्तों के बड़े पैमाने पर कटाई होने लगी है, जिसके सबब जंगलाती इलाका भी कम होता जा रहा है। और यहाँ पर है कि घरों के लिए दरकार वसाइल बनाने के लिए तवनाई इस्तेमाल की जाती है, मिट्टी से ईंट, चनखड़ी से सीमेंट, रेत से कांच बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तवनाई इस्तेमाल की जाती है। अब तवनाई पैदा करने के लिए हम कोयला, कुदरती हवा और मादनी तेल जैसे कुदरती ईंधन इस्तेमाल करते हैं। ये ईंधन एक मर्तबा इस्तेमाल हो गए तो खत्म हो जाते हैं। तवनाई की इन जर्राए के लिए जलने से हवाई आलूदगी भी होती है। तवनाई की इन जर्राए की कुदरती तख्लीक में लाखों साल दरकार होते हैं, इसीलिए वाफर मुकदार में दस्तियाब और आलूदगी भी ना फैलाने वाली शमशी तवनाई, हवाई तवनाई जैसे तवनाई के जर्राए के इस्तेमाल में इजाफा करना चाहिए। ये तवानाई के खत्म ना होने वाले जर्राए हैं। अब तमाम जानदारों को बसेरे की जरूरत होती है, रहने की जरूरत होती है ना जानदारों को भी। इंसान की तरह ही दिगर चंद जानदार भी माहौल में मौजूद मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल करके बसेरे तैयार करते हैं। उनके ये बसेरे माहौल दोस्त और वक्ती होते हैं। पिछली जमात में हमने ये पढ़ चुके हैं, ऐसे ही माहौल दोस्त लेकिन मुस्तकिल घर हमें भी बनाना आना चाहिए। अब यह माहौल दोस्त घरों की कुछ किस्में यानी खसूसियात भी हैं। पहला है कुदरती वसाइल कम से कम इस्तेमाल करना। अब ये घर जो आप देखोगे बाजू में ये बना है ना, इसमें कम से कम इस्तेमाल हुआ है कैसे। दूसरा है कि बायोगैस, हवाई तवनाई, शमसी तवनाई जैसे तवनाई के गैर रस्मी वसाइल का इस्तेमाल। तीसरा है पानी का दोबारा इस्तेमाल। पानी का दोबारा इस्तेमाल तो आप जानते हो ना बच्चों, जैसे घर में इस्तेमाल हो गया वही पानी कपड़े वपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों में डाल देते हैं, घास में डाल देते हैं, और जो हमने पॉट लगाए रहते हैं छोटे छोटे दरख्तों के उसमें डाल के हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी वॉशरूम में भी यूज कर लेते हैं वो पानी को, तो वहां पे यूज हो सकता है दूसरी बार भी। और आखिर में कि पुरानी अशिया का दोबारा इस्तेमाल करना, पुरानी अशियाओं को फिर से घर में इस्तेमाल करने से भी हमारे घर की हमें हमें उसकी जरूरत पूरी हो सकती है। अब मस्नूई वसाइल और मस्नूई रंगों का कम से कम इस्तेमाल करना, घर में कुदरती रोशनी और हवा की आमदोरफ्त के लिए सहूलत करना, ये भी जरूरी होता है ना बनाने में। क्या आप जानते हो कि पानी के अंदर ये घर बना हुआ है, आबी सियाहत एक अहम कारोबार बन चुका है, यानी पानी में घूमना भी एक घूमने के सैर सपाट जो होता है ना सियाहत में शामिल हो चुका है। तो कुछ जगहों पर सियाहों के बसेरे समंदर के नीचे तामीर किए गए हैं। कुछ लोग जो है पानी के अंदर जाते हैं और वहां पे इस तरह से ये घर बने हुए होते हैं, उसके अंदर रहते हैं। इन बसेरों में से आप सतह समंदर और वहां की खूबसूरत समंदरी जिंदगी के मनाजर का लुत्फ उठा सकते हैं। यूरोप, शुमाली अमरीका के साहिली इलाकों में ऐसे बसेरे नजर आएंगे। अमेरिका वगैरह में इस तरह से समंदर के अंदर घर बनाए गए हैं, जहां लोग जाके घूमने के शौकीन लोग उसमें जाके रुकते भी हैं, एक होटल की तरह मजा करके आते हैं। अब यहां पर है, क्या आप ये जानते हैं मुंबई शहर, अभी देखो अभी हिस्से को पाट कर बनाया गया ये इलाका, यहां से हम पढ़ेंगे कि क्या आप जानते हैं मुंबई शहर 7 जजीरों पर आबाद है। इन जजीरों के दरमियान की आबी हिस्सों को पत्थर और मिट्टी से पाट कर जमीन बनाई गई है, फिर इस पर आबादियां और सड़कें और सन्नतें फैली है। देखो बच्चों ये तस्वीर मैं आपको समझाती हूँ, ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये 7 जजीरे हैं, देख रहे हो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये, लेकिन बीच में सब पानी है। तो फिर इसको एकजुट कैसे किया गया, इसके अंदर मिट्टी और पत्थर भर भर के इस तरह से इसको इकट्ठा किया गया। उसके बाद क्या किया गया, और इसमें भर भर के जो भी और अच्छे से शहर जैसा इसको बना दिया गया है मजबूत। तो अब इसके ऊपर हम बसे हैं, मुंबई उसमें जो है वो महानगर हम जहाँ रहते हैं वो इस पे हम रहते हैं। अब ये पूरा पानी से ढक के उन्होंने इस तरह से बना दिया है। अब इसके ऊपर है कि अभी इसे को पाट कर बनाया गया ये इलाका नशीबी होने के सबब आज भी भारी बारिश की वजह से इस हिस्से में पानी भर जाता है। देखते हो ना पानी कहाँ कहाँ भर जाता है। तो हमने क्या सीखा, पहला इलाके की आबो हवा में तनु के मुताबिक तर्ज तामीर तनु में नजर आता है, यानी जो भी हम यहाँ पे तनु क्यों नजर आता है कि जो तामीर करते हैं हम लोग घर वर बनाने की अलग अलग जो शक्लें होती हैं वो इलाके के हिसाब से होती हैं। अब इलाके के मुताबिक घरों की तर्ज तामीर, घरों की तामीर में मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। ये वसाइल कुदरती अशिया से ही बनाए जाते हैं, यहीं से निकाला जाता है, यहीं से बनाया जाता है। दूसरा है तवानाई का इस्तेमाल एहतियात से करें। तवानाई यानी जो जला विला के जो हम गरमाने वाली चीजें जो होती हैं उनकी जो है
इस्तेमाल बचा बचा के करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी हम इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कहीं हम नहीं है वहां पे फैन लाइट, आप स्कूल में भी आप अपने करेंगे तो बच्चों आपके लिए बहुत बेहतर ये काम होगा कि आप वो क्लास में नहीं है और वो रूम में पंखा और लाइट चालू है, उसे फौरन बंद कर दीजिए। ये एक बचाने का तरीका है। और तवानाई के कुदरती जर्रे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जरूरी है। माहौल दोस्त घरों की तामीर जरूरी है। जहाँ पे खिड़की दरवाजे हों वैसे वातावरण में घर बनाना चाहिए। माहौल को नुकसान ना पहुंचे इस जानिब तवज्जो देना जरूरी है। अब आइए दिमाग पर जोर दें। परिंदे अपने घोंसले किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे भला? माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर घर तामीर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आपके जहन में आने वाले नुक्कात पर जमात में बातचीत कीजिए। अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें नुकसान ना हो, माहौल में गंदगी ना फैले, उसके लिए क्लास में डिस्कशन करिए। जब आप चार पांच लोगों के बीच में डिस्कशन करते हैं ना तो सबकी अलग अलग राय आती है। कोई भी काम राय से करने की वजह से क्या होता है, हमें एक अच्छा आइडियाज मिल जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। तो कभी भी बच्चों कोई काम करते वक्त ना सलाह मशवरा जरूर कर लिया करें। अब मशक है यहाँ पर, हम उसे भी पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए हम जाएंगे हमारे सवाल जवाब के पेज पर। तो यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ ताकि आपको मैं अंडरलाइन करके इसके नुक्कात पे रोशनी डाली जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लाल पेन ले ली है। तो यहाँ पर हमारा जो है सबक नंबर 11, ये ईवीएस का पार्ट 1 है, घर, हमारा घर और माहौल। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं बच्चों, जिसमें 10वीं जमात का, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं माहौल का मुताला तक मैं आ गई हूँ। और ये सारे सवाल जवाब में कई मजमून है जिसमें इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात, बहुत सारे सवाल जवाब सभी हैं। आप इस पे इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड का नीट सॉल्यूशन का भी मैंने अपना क्लास का डाला है एक्सलेंट क्लासेस के नाम से। आप उसमें डॉक्टर ही अगर कर रहे हैं तो नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके बड़े भाई इनको, भाई बहनों को बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। अलिफ में है दरसी किताब का पहला सवाल, पहाड़ी इलाके में जेल में से कौन से घर मुनासिब होंगे? पहाड़ी इलाकों में, और मुनासिब जगह पूर करिए और इस तरह से निशान लगाइए, इसकी वजह भी बताइए। ठीक है, तो वजह हम बाद में बताएंगे, पहले हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाके में ये घर जो है ये बहुत सही बनेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हवा वगैरह बहुत तेज चलती है, तो हमें उसके बचाव के लिए पक्का घर की जरूरत होती है। बाकी तीन घर पक्के नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि अब हमने ये निशान तो लगा दिया है लेकिन इसकी वजह भी बताना है कि क्यों। तो चलिए, जवाब है दर्सी किताब की मश्क में सवाल नंबर सवाल अलीफ का पहले में दिए हुए घरों में से खपड़ेल वाला 2 मंजिला घर पहली कतार में बाएं जानिब वाला मुनासिब होगा। इसकी वजूहत ये होगी कि पहला है इसका कि पहाड़ी इलाके में तेज हवा व बारिश का जोर ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ के घर मुनासिब नहीं बल्कि ईंट और सीमेंट के पक्के घर ही मुनासिब होंगे। इसका दूसरा पॉइंट है कि पहाड़ी इलाके में हमवार जमीन कम पाई जाती है, मतलब बहुत बड़ी जमीन एक ही जगह नहीं मिलती है, तो उस वजह से भी इसके लिए यहाँ बड़े बड़े घर नहीं बना सकते। इस वजह से छोटे लेकिन कई मंजिला मकानात बनाना ज्यादा मुनासिब होता है। अगला सवाल बे है दर्सी किताब का, घर तामीर करते वक्त दर्ज ज़ेल अमूर को आप किस तरह तरजीह तरतीब में रखेंगे? तो यहाँ पहला है आराम, दूसरा है तर्ज तामीर, तीसरा है आबो हवा। लेकिन जवाब है इसका आबो हवा, आराम, फिर तर्ज तामीर, ये जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी का दूसरा सवाल है कि कई मंजिला इमारत तामीर करते वक्त खुसूसन कौन से वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं? मुनासिब उत्पादल का इंतखाब करिए। तो ये पहला और दूसरा नहीं, तीसरा वाला सही जवाब है, लोहा, सीमेंट, रेत और ईंट। यहाँ मैंने जवाब लिख के भी दिया हुआ है, बच्चों आप नोट करिए। जिम में है सवाल, दर्ज ज़ेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, आपके घर में मौजूद माहौल दोस्त अशिया की फहरिस्त बनाइए। जवाब है, घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां, गीला कचरा का खाद, शमशी चूल्हा, घर के सामने फूलों के पौधे, बारिश का पानी जमा करने के लिए हौज वगैरह माहौल दोस्त अशिया हैं। इसी का दूसरा सवाल है, घर के कौन से आलात हम शमसी तवानाई से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है कि घरों में रोशनी के लिए बल्ब, पंखा, घड़ी, कुकर और या गीजर, ये पानी गर्म करने का गीजर होता है ना, जिससे पानी गर्म किया जाता है वगैरह, आलात हम शमसी
शमशी तवानाई से इस्तेमाल कर पाते हैं। अब दाल में सवाल है कि तामीर के मुकाम पर आलूगी की कौन कौन सी किस्में नजर आती हैं? तो जवाब है दाल का, जहां कहीं तामीर के काम होते हैं वहां पत्थर, धूल, गंदे पानी के घड़े, सीमेंट का अंबार, कीचड़, टूटे हुए सरिया और चूने का चूरा वगैरह जैसा बेशुमार आलूगी की किस्में नजर आती हैं। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि माहौल दोस्त घर का खाका बनाइए। माहौल दोस्त कैसा होता है उसका आपको थोड़ा सा स्केच खींचना है, ड्राइंग करना है। दूसरा है कि माहौल को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए अवामी बेदारी पैदा करने के लिए उस्ताद की मदद से नुक्कड़ नाटक तैयार कीजिए और पेश कीजिए। देखिए नुक्कड़ नाटक कहीं देखा होगा ना, रोड पे कोई तकलीफ हमें आसपास होती है ना, तो अगर नाटक करके हम उसको पेश करते हैं तो लोगों की जल्दी समझ में आता है और हमारी बात भी हल हो जाती है। तीसरा है अवामी ताउन के जरिए अपने माहौल की नामियाती तनु की अहमियत उजागर करने वाली नुमाइश का इनेकाद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये सभी आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर इस सबक के सभी हमने मालूमात भी हासिल कर ली और सवाल जवाब भी हल कर लिए। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाबों से वो घर बैठे आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर इस लेसन से आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।